वीडियो देखने से पहले मैं नानू मम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बलाबल वाली घंटी जरूर बजा दिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शहनाज अमीन बेस्ट किचन। आज है फ्राइडे और आज हम जा रहे हैं कराची और तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा सूट पहनूँ आज। और मैंने सोचा कि ये वाला पहन लेते हैं सूट। मुझे यही सूट सही लग रहा है तो मैं यही पहन लेती हूँ। अब केचर कौन सा पहनूँ? केचर नहीं, गर्मी बहुत है, पोनी बना लेते हैं। अब मैं पोनी वगैरह निकाल लेती हूँ। तो ये देखें जी, मनी सेवर, मेरा बचपन की यादें जिसमें हम छोटे छोटे बच्चे पैसे जमा करते थे बचपन में, मैंने अभी तक रखा हुआ है संभाल के। और चलें क्लिप वगैरह निकाल लेते हैं, क्लिप पोनी वगैरह। अब पोनी देखते हैं कि कौन सी मैच कर रही है सूट में। ये वाली भी नहीं मैच कर रही है। ये तो हेयर बैंड है, ये भी मैच नहीं कर रही है। और ये पोनी देखें, ये देखें जी, ये वो पोनी है जो मेरी मम्मा जब हज करने गई थी वहाँ से लाई थी सऊदी अरब से, और बहुत सी चीज़ें लाई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सी पोनी पहनूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन फाइनली एक कलर मिल गया जो मैच कर रहा है मेरे सूट से बिल्कुल। तो मैंने सोचा यही पोनी मैं लगा लूँगी। और ये क्लिप्स मैंने निकाल लिए हैं, और भी बहुत से क्लिप्स हैं लेकिन मुझे यही समझ में आ रहा है क्लिप, तो मैं यही लगा लूँगी। और वॉच तो ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मैं यही पहनती हूँ ज़्यादातर। और ये नेल पॉलिश हटाते हैं इससे, नेल पेंट, जब भी आपको नमाज़ पढ़नी हो तो ये अर्जेंटली हटा सकती हैं आप। ये वो बॉक्स हैं। तो जी मैंने निकाल ली अपनी चीज़ें जो मैं आज पहनने वाली हूँ इस सूट के साथ। देखें जी, मेरी छोटी सिस्टर ने भी अपनी सारी चीज़ें निकाल ली हैं जो वो आज पहनने वाली हैं, मैचिंग का पर्स, वॉच, बैंगल्स, क्लिप्स। अब हम हो गए हैं रेडी, 10 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कराची। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तकरीबन 5 साल हो गए हैं मुझे कराची गए हुए। मैं लास्ट टाइम जब गई थी, जब हमारे मेरे पापा हज करके आए थे और हम उन्हें लेने गए थे एयरपोर्ट, तो उसके बाद से 5 साल बाद मैं अब कराची जा रही हूँ। और हमारी छोटी सी प्रिंसेस भी जा रही है हमारे साथ। और अब हम घर से निकल रहे हैं। देखिए जी, अब हम घर से निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं कराची रवाना होने के लिए।
हम जाम शोरों तक तो पहुंच चुके हैं। ये जाम शोरों है। देखिए जी, हम हाईवे के पेट्रोल पंप पे रुक गए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी हमें खाने पीने की, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है कराची का इस वजह से। भाई ले रहे हैं चीज़ें जो लेनी है। हमें जो लेना था हमने ले लिया है। अब हम जा रहे हैं वापस से। पता नहीं कितना टाइम लगेगा कराची आने में। देखे जी, कराची का टूल प्लाजा आ गया है फाइनली।
देखें जी, ये बहरिया टाउन है। आई लव बहरिया टाउन भी लिखा हुआ है इसमें, देखें। हमें मामू के घर आना था कराची में, तो हम कराची में मामू के घर आ गए हैं। और देखें जी, इनके विंडो से जुम्मा बाज़ार भी दिख रहा है सामने, जो कि मैं आपको इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें दिखाऊंगी पूरा जुम्मा बाज़ार। ये बाज़ार जाना था हमें कुछ कुर्ती वगैरह लेनी थी, तो मामू ने बोला चलो मैं लेके चल लेता हूँ। तो हम कुर्ती वगैरह ख़रीदने आए हैं, लेकिन आज 13 अगस्त है तो आई थिंक सब बंद हो। देखें कितनी अच्छी सजावट हुई हुई है कराची में, लाइटिंग हुई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी लॉकडाउन लगा हुआ है, हमने सोचा शायद कुछ शॉप्स खुली हों, लेकिन सारी शॉप्स बंद थी, तो इस वजह से कुछ नहीं ले पाए हम। तो मामू ने बोला चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, तो मामू हमें गोलगप्पे खिला रहे हैं। तो मामू बता रहे हैं कि ये कराची के लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे हैं, तो इस वजह से हमने बोला चलो टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसे हैं गोलगप्पे। देखें जी, ये शॉप है गोलगप्पों की, और इसका शॉप का नाम है लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे। और 13 अगस्त में हम गए थे, तो इस वजह से जश्न आज़ादी मुबारक भी लिखा हुआ है इसमें, और हर जगह 14 अगस्त की चीज़ें मिल रही हैं, झंडियाँ वगैरह जो भी है, बेज वगैरह जो भी है। और देखें जी, हमारे गोलगप्पे आ गए हैं, और गोलगप्पे बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त हैं। अब हमने खा लिए हैं गोलगप्पे, और अब हम जा रहे हैं वापस मामू के घर, क्योंकि 8 बज गए हैं और हमें घर की तरफ भी रवाना होना है, हमें घर के लिए निकलना है हैदराबाद के लिए। मामू के घर से अब हम निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। और देखें जी, रास्ते में ही हमें 12 बज गए और जश्न आज़ादी स्टार्ट हो गई। तो देखें कितना क्राउड हो रहा है हर जगह, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें आतिशबाजी हो रही है, और
अल्लाह पाक के शुक्र से हमारा घर आ गया है, हम सात खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।